हेलो गाइस, तो आज हम लोग क्लास सिक्स का सेकेंड चैप्टर डेट इज होल नंबर के बारे में जानेंगे। तो फर्स्टली वी विल डिफाइन होल नंबर। व्हाट आर होल नंबर? ऑल द नेचुरल नंबर्स विद जीरो आर होल नंबर। ऑल द नेचुरल नंबर्स विद जीरो आर होल नंबर। इट स्टार्ट विद जीरो। जितनी भी होल नंबर्स होती हैं, जो होल नंबर हमारा होता है वो हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होता है। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड फोन फोन आगे तक। और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। तो फर्स्टली वी शुड नो व्हाट आर प्रेडिसेसर एंड व्हाट आर सक्सेसर। व्हाट डू मीन बाय प्रेडिसेसर एंड व्हाट डू मीन बाय सक्सेसर? तो आप यहां पे देख सकते हैं प्री। प्री से कुछ याद है यार? प्रीव्यू। प्रीव्यू मतलब क्या होता है? पीछे का जो हम व्यू देखते हैं। तो प्री मतलब ये होता है बिफोर। प्री का जो मीनिंग होता है क्या होता है? बिफोर। एंड हेयर सक्सेस। सक्सेस क्या होता है? आगे बढ़ना, प्रगति करना। तो सक्सेस का बात करें तो आगे, आफ्टर। तो ये जो हमारा वर्ड है प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर, इससे ही हमारा जो मीनिंग है वो पता चल जा रहा है प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर क्या होते हैं। कोई भी नंबर, सपोज इफ आई टेक 45, वन विल बी द सक्सेसर ऑफ 45। सक्सेसर मींस आफ्टर। गिवन नंबर है, उसके बाद का जो नंबर होगा वो हमारा सक्सेसर होगा। 45 जो सक्सेसर होता है जिसमें हम प्लस वन करते हैं, एंड जब प्रेडिसेसर आस्क होता है उसमें माइनस वन करते हैं। यहाँ पे आस्क क्या है? 45 और आस्क है सक्सेसर। प्लस वन 46। सक्सेसर ऑफ 45 विल बी 46 एंड प्रेडिसेसर प्रेडिसेसर माइनस 44। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ही नंबर लाइन। अब जिसमें कोई भी होल नंबर दे दिया होगा और उसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है वो हम अभी जानेंगे। सपोज आई ड्रॉ नंबर लाइन, ये जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। ये हमारा हो गया नंबर लाइन। इसके ऊपर कोई भी अगर कुछ दे, छः को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कीजिए, छः हो गया। तीन को कीजिए, तीन हो जाएगा। जीरो करें, जीरो हो जाएगा। लेकिन कुछ क्या होता है कि इस नंबर लाइन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि 5 + 2 कितना होता है? सबको पता है 7 होता है। लेकिन इस 7 को आप बताइए नंबर लाइन के ऊपर कि 5 + 2 7 कैसे होगा नंबर लाइन के ऊपर? ईजी है।
अगर हम एग्जांपल लेते हैं 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 है 3, यहां से हम दो यूनिट आगे चलेंगे, प्लस टू पूछा है दो यूनिट 1 2, ये हमारा आ गया 5 इक्वल टू 5। ठीक है, जब प्लस में पूछेगा तो उसको आगे हम चलेंगे। अब वही माइनस पूछ देगा 3 माइनस 2, माइनस टू पीछे चलेंगे 1 एंड 2, 1 विल बी 1। ओके अंडरस्टैंड। अभी हमने बात किया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे मल्टीप्लाई एग्जांपल, इफ यू टेक एग्जांपल 4 इंटू 3 इंटू 2, सबको पता है 3 इंटू 2 कितना होगा, 6 होगा। लेकिन इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है कि 3 इंटू 2 क्या होगा, नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, ध्यान देखना है। ठीक है, 3 इंटू 2 है, यानी कि हम दो दो यूनिट के बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टी। जगला हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि होल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मैं 7th क्लास 8th क्लास में भी दिया होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो हम होल नंबर्स के ऊपर ये सब प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। ठीक है, फर्स्टली क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें क्या होगा, a प्लस बी, सपोज वी टेक टू होल नंबर a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी एंड a डिवाइडेड बाई बी। सपोज हम इसको सोल्व करते हैं, अगर हम a और b के यहाँ कोई भी होल नंबर पुट कर देते हैं, कोई भी होल नंबर ले लीजिए a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट कीजिए, जो उसका आंसर होगा वो हमेशा एक होल नंबर ही होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी सबके लिए अप्लीकेबल है, ऑल विल बी होल नंबर। यानी कि अगर हम दो होल नंबर का एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर डिवीजन करते हैं, जो उनका आंसर होगा वो एक होल नंबर ही होगा। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव में क्या है, सपोज a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए, ये है जो हमारी प्रॉपर्टी। सपोज हम कोई भी दो होल नंबर ले लेते हैं, कोई भी दो होल नंबर ले लेते हैं, ए के यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और बी की भी वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम प्लस में देखें, सपोज वी टेक ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3, ए प्लस बी 2 प्लस 3, व्हाट विल बी द आंसर, 5, एंड राइट हैंड साइड 3 प्लस 2 5, दोनों यहाँ सेम हो गया, यानी कि ये अप्लीकेबल है, ये कम्यूटेटिव होगा, होल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव है। ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस 1, सपोज वी इफ वी टेक ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 2, 3 एंड 2, 2 एंड 3, अगर देखिए हम 3 में से जब 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 आ रहा है,
और टू में से थ्री को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस वन आ रहा है, यानी कि दोनों अलग अलग आंसर आ गया, तो दिस इज नॉट अप्लीकेबल। इन द सेम वे द मल्टीप्लीकेशन विल बी कम्यूटेटिव फॉर द होल नंबर एंड डिविजन विल नॉट कम्यूटेटिव फॉर द होल नंबर। अब चेक कर सकते हैं इसकी वैल्यू पुट करके, ए की और बी की वैल्यू पुट कीजिएगा, आपको आंसर पता चल जाएगा। अगर इधर का आंसर और इस साइड का आंसर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जब आंसर सेम टू सेम हुआ तो वो कम्यूटेटिव है, अगर सेम टू सेम आंसर नहीं आया वो कम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दोनों तो मैंने सेम लिख दिया, लेकिन एक हम ब्रैकेट यहां पे लगा देंगे, ए और बी के साथ हमने ब्रैकेट लगाया यहाँ पे ए और बी के साथ, लेकिन इस साइड हम ए और बी के साथ नहीं लगाएंगे, बी और सी के साथ। इसमें क्या होगा, अगर आप वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका अप्लीकेबल होगा, ठीक है। दोनों और जो आंसर आएगा जब सम आएगा वो इक्वल ही होगा। सेकेंड ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस b माइनस सी, दिस विल नॉट बी अप्लीकेबल फॉर द होल नंबर। जो एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी लगेगा वो होल नंबर के लिए सब्ट्रैक्शन में नहीं हो पाएगा। अब एग्जाम्पल यहाँ पे अपने से वैल्यू कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, a की वैल्यू ले लीजिए, b की वैल्यू ले लीजिए, c की वैल्यू ले लीजिए, फिर सब इधर भी लिखिएगा, लेकिन याद क्या रखना है, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर होते हैं उनको सोल्व हम सबसे पहले करते हैं, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं नंबर उनकी जो हम सॉल्व करते हैं उनको सबसे फर्स्ट में करते हैं। नेक्स्ट ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ये अप्लीकेबल होगा, ये दोनों साइड जो आंसर होगा वो सेम आएगा। सेम इन द सेम मैनर जो हमारा डिवीजन होगा वो एसोसिएटिव नहीं होगा होल नंबर्स के लिए, इधर का जो आंसर होगा वो कुछ और होगा और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर वो भी कुछ और होगा, दोनों साइड का आंसर जो होगा वो अलग अलग आएगा, ओके। ये होगा हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब ये क्यों बोलते हैं, ए बी प्लस सी, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज पता क्यों करते हैं, किसी भी मल्टीप्लीकेशन को इजियर करने के लिए, उसको आसान करने के लिए, ओके। सपोज इफ यू टेक एग्जाम्पल ए बी ए सी, अगर हम कोई एग्जाम्पल दे देते हैं, फाइव हंड्रेड वन इंटू वन हंड्रेड वन, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये मल्टीप्लीकेशन हम जो कॉपी पे करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा ना, इसलिए हम जो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, 501 into 100 plus 1 we can write, 1 पर 1 को हम 100 plus 1 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, ओके अंडरस्टैंड। तो इसको हम ये हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब आप कोई भी कॉपी पे लेके करेंगे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे वो आपका मल्टीप्लीकेशन बहुत जल्द हो जाएगा, ओके।
नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम होमवर्क फॉर यू एंड वी हैव टू सॉल्व इट ओके। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। ये आप लोग के लिए मैं कुछ होमवर्क दिया हूँ, ठीक है, और इस होमवर्क को सॉल्व करना है अच्छी तरीके से कॉपी पे सुंदर राइटिंग में, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो हमारे आरपी से डायरेक्टर हैं पीएसवीएम के उनके व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करना है। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर उनका लिख दे रहा हूँ, राइट डाउन। तो आप लोगों को ये काम बनाना है और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको व्हाट्सएप के ऊपर भेजना ही है। ओके, थैंक यू।